पर्नोग्राफी का मसला दौरे जदीद इंसानी तारीख का एक इंतहाई मुख्तलिफ और मुनफरद दौर है इस दौर में जो मसाइल जन्म ले रहे हैं वो अपनी नौीय के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलफ हैं और उनको रिवायती तरीक़ों से हल भी नहीं किया जा सकता इन मसाइल में एक अहम और बुनियादी मसला पोर्नोग्राफी का है जिस पर आज की गुफ्तु में बात की जाएगी इंसानों की साख फोर्नोग्राफ़ी की तारीख शायद उतनी ही पुरानी है जितना खुद इंसान है इसका माखज़ इंसान की वो साख्त है जिसमें इंसानियत के तसलसल के लिए अल्लाह ताला ने यह ख़ुसूसी अहतमाम किया कि मर्द वजन के ताल्लुक को महज एक हैवानी ताल्लुक से कहीं आगे बढ़ाकर इसे एक इंतहाई पुरकशिश नफसियाती तजर्बा बना दिया है यह नफसियाती कशिश एक तवील रफ़ाक़त को जन्म देती है ये तवील रफ़ाक़त उस बच्चे का वाहद सहारा है जो तमाम हैवाना में सबसे कमजोर पैदा होता है और इसे एक अरसे यानी दस बारह बरस तक वाले के तहफ और सहारे की जरूरत होती है चुनाचे इसी हमत के पेश नज़र अल्लाह तला ने मर्द जन के तल्ल को दीगर जानवरों की तरह एक सादा हैवानी ताल्लुक के तौर पर नहीं बनाया जो एक मुख्तर वक्त के लिए मिलते हैं और फिर अपनी अपनी राह लेते हैं बल्कि इस ताल्लुक को जबिलत जब से उठाकर नफसियात जोक़माल और एहसास लजत से मुतल कर दिया गया है और इस दर्जे में मुतल कर दिया गया है कि बहुत से माहरीन नफसियात इंसान की तशरी इसी हकीकत को बुनियाद बना कर करते हैं और इंसान के हर फिक्रमल को इसी की रोशनी में देखते हैं खुदा की हमत इंसान की इसी साख्त की बिना पर इंसान हमेशा मियाँ बीवी और ख़ानदान की शक्ल में मिल रहते हैं इस रिश्ते की सूरत में मोहब्बत का वो ताल्लुक़ क़ायम हो जाता है जो जिंदगी के हर गर्म में इंसान को मुकाबले की हिम्मत देता बच्चों की निगहदाश्त का बोझ उठाता और बुजुर्गों की जिम्मेदारी इस तरह उठाता है कि आखिरी आरामगाह तक उन्हें अपने कंधों पर छोड़ कर आता है यही खुदा की असल स्कीम थी इसी बिना पर इंसान को जानवरों से मुख्तलफ बनाया गया था मगर खुदा की हमत बाल ने इसी जज्बे से इंसानों का सबसे बड़ा इम्तहान भी तख्लीक कर दिया जिसका इजहार अवलिन इंसानों यानी हजरत और हवा की शक्ल में हो गया इसी वाके से यह हकीकत भी सामने आती है कि ये ताल्लुक इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी भी है चुनाच शैतान सारी इंसानी तारीख में इसी रास्ते से इंसानों पर हमला आवर होता रहा है और तकबर के बाद ये इंसानों को हलाक करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अखलाकी बुराई साबित हुई है इसकी इतहाई शक्ल तो जना और बदकारी ही है जिस पर अल्लाह ताला ने दुनिया और आख़रत में शदीद सज़ा की वईत सुनाई है मगर इससे कमतर चीज़ों से रोकना भी हमेशा से मुस्लिन का तरीका रहा है मगर इंसान हमेशा जिना में भी पड़े और कमतर चीज़ों से भी वाबस्तगी उनका तरीका रही है दौरे जदीद में पर्नोग्राफी का आलमी ूर दौर जदीद में मगरबी तहजीब ने एक तरफ इफ्त के तसवर को पामाल किया और दूसरी तरफ जिना से करीब कर देने वाली चीज़ों की भी नित नई शक्लें ईजाद की हैं पोर्नोग्राफी ऐसी ही एक चीज़ है जिसकी तारीख उतनी ही कदीम है जितनी मसवरी की लेकिन बड़े पैमाने पर इसके फ़रोग का आगाज़ कैमरे की ईजाद के साथ हुआ पहले प्रिंट मीडिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये चीज़ें आम लोगों तक फैलना शुरू हुई मगर एक तो इंसानी मुआरेमूमी तौर पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंदीदा निगाहों से नहीं देखते दूसरे ये कि इस तरह की चीज़ें बनाने वाले लोग जाहिर है कि फीस सबील तो ये काम करते नहीं थे इसलिए इस काम में पैसा खर्च करना पड़ता था चुनाचे माशी और समाजी अवामल के बिना पर इनका दायरा महदूद ही रहा यह सूरत हाल इसी तरह रही यहाँ तक कि पिछली सदी के अख्तामी अशरे में इंटरनेट की ईजाद हुई इंफॉमेशन एज का अजीम धमाका इंफॉर्मेशन बिग बैंग हुआ जिसके बाद ये सारा मवाद इंटरनेट पर मुंतकिल होना शुरू हो गया इब्तदा में तो इंटरनेट पर भी ये फोहश मवाद पैसों के एवज दस्तियाब था मगर इंटरनेट पर मिलने वाली प्राइवेसी और फोहश मवाद की आसान दस्तियाबी के बिना पर यह तेजी से फैलना शुरू हुआ पैसों को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैदान में उतरने लगे इस वक्त पॉन इंडस्ट्री की सालाना आमदनी सत्तानवे अरब डॉलर है इसके मुकाबले में हॉलीवुड की आमदनी दस अरब डॉलर सालाना और बॉलीवुड की दो अरब डॉलर सालाना के लगभग है इन दो बैन अवी और सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज की आमदनी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी दुनिया की छोटी छोटी और मकामी फिल्म इंडस्ट्री को मिलाकर भी इन सब की मजमू आमदनी पॉन इंडस्ट्री की आमदनी से कम ही होगी पोर्नोग्राफी के फैलने की वजूहत ताहम जैसा कि उसूल है कि जब ज्यादा लोग किसी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बढ़ जाता है दूसरी महदूदियत पोन इंडस्ट्री की ये थी कि इसकी जितनी ज़्यादा तलब मुआरे में मौजूद है इसके इश्तिहार पर उतनी ही पाबंदियाँ आयद हैं इनका इश्तहार ना किसी चैनल पर शाया हो सकता है ना किसी अखबार में हती कि बड़ी वेबसाइट्स जो इश्तहार ही पर चलती हैं वो भी इनका इश्तहार अवामी मफाद में नहीं लगाती चुनाचे इस सूरत हाल का हल इन लोगों ने यह निकाला कि अपना मवाद बिला मुआवजा नेट पर फैलाना शुरू कर दिया इन्हें सहूलत ये थी कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को तलाश करने के लिए सिर्फ एक सर्च इंजन पर अपनी मतलूबा चीज़ का नाम लिखना होता है और उसकी दस्याबी के तमाम जराए अगले लम्हे में सामने होते हैं चनाचे लोग मुफ्त की पोर्नोग्राफी जोको शौक से देखने लगे ये चीज़ें मुफ्त फराहम करने के पीछे खदमत खल्फ का जज्बा नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात का ये मुताला था कि फवाहिश और बदकारी वो चीज़ें हैं जिनकी लत लग जाया करती है चुनाचे एक दफ़ा जब कोई शख्स इन फ्री पॉन्ड वेबसाइट्स पर आने लगता है तो थोड़े ही अरसे में इसकी तलब ख़त्म होने के बजाय और बढ़ जाती है इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब टेक्नोलॉजी की तरक्की के दो और पहलुओं ने किया एक ये कि इंटरनेट की रफ़्तार बढ़ती चली गई पहले पहल जहाँ तस्वीर डाउनलोड करना भी एक सब राजमा काम था वहाँ अब आला तरीन क्वालिटी की वीडियो या फिल्म का देखना भी बहुत आसान है दूसरी तरफ स्मार्टफोन की आमद ने कंप्यूटर को जेब में पहुंचा दिया यूं देखने वालों का जौक और शौक भी बढ़ा और उनकी तादाद भी बढ़ती चली गई और अब सूरत हाल ये है कि पोर्नोग्राफी एक मरस की तरह दुनिया भर में फैल चुका है अब इसके माशरती और अखलाकी असर सामने आना शुरू हो गए हैं इनमें मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की कमजोरी और ख़ानदान का टूट जाना ग़ैर हकीकी तसवूर और तो बिना पर अजवाजी मसरत का ख़ात्मा बच्चों और नौजवानों का गलत तसवरत और रवैयों का शिकार होना और ख़वातन के खिलाफ जराइम में इजाफा वगैरह नुमाया हैं ताहम ये असरा अभी बहुत हल्के हैं इसलिए कि इस दौर में पोर्नोग्राफी का अरूज शुरू हुआ है इसके मुकम्मल असरात आने वाले बरसों में सामने आएंगे जब अकली नस्लें यह सब कुछ देखते हुए परवान चढ़ेंगी पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान में इस हवाले से सूरत हाल ज्यादा ख़राब है पिछले कई बरसों से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां पोर्नोग्राफी देखने का अमल दूसरे ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा है हालांकि पाकिस्तान में पॉइंट वेबसाइट्स ब्लॉक हैं और आम तरीके से इनको देखना मुमकिन नहीं मगर अब पोर्नोग्राफी इतनी फैल चुकी है और दूसरी तरफ इतने चोर रास्ते खुल चुके हैं कि सिर्फ सेंसरशिप से इसको नहीं रोका जा सकता है इसके लिए कुछ और इकदाम की ज़रूरत है जिन पर हम तवज्जो दिलाना चाहेंगे इन इकदाम की अहमियत इस वजह से और ज्यादा हो जाती है कि मगरब और दीगर आलम में तरबियत का कुछ न कुछ मतबादल निज़ाम बाकी है और वहाँ कानून की हुक्मरानी है चुनाचे वो पुरनाग्राफी देख कर भी जराइम पर इस तरह जरी नहीं होते मजीद ये कि वहाँ के माशरे इस तरह बंद माशरे नहीं हैं जैसा कि हमारा माशरा है बंद माशरे जब खुलते हैं तो बहुत सी हदूद पामाल करते चले जाते हैं इसका सबसे बड़ा इजहार हमारे यहाँ मासूम बच्चे बच्चियों से ज्यादती के वो वाक़ हैं जो तश्वीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं इसलाह है अहवाल का रास्ता इस हवाले से पहली चीज तरबियत का अमल है खासकर मर्दों की तरबियत हमारे मजहबी फिक्र का यह अलमिया है कि वो इस मामले में हमेशा अहकाम दीन को खातिन के पहलू से पेश करता है और उनके मुकम्मल पर्दे उनका दायरा अमल घर तक महदूद करने और मर्दों जन के अख्तलात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने को दीन की तालीम का असल मंशा समझता है और इसी को बयान करता है आप गौर कीजिए कि ये तीनों चीजें फोनोग्राफी को देखने से किसी तौर मर्दों को नहीं रोक रही जो ज़्यादातर इस फितने का शिकार होते हैं जबकि दीन की असल कुरानी तालीम इस मामले में तरबियत का आगाज मर्दों से ये कहकर करती है कि वो अपनी निगाहों को बचा कर रखें यह हुक्म सामने रखते ही तमाम पर्नोग्राफी खुद ब खुद इसकी जद में आ जाती है चुनाचे सबसे पहली असलाह जिसकी ज़रूरत है वो तरबियत के उस बुनियादी तस्वर को बदलने की है जिसमें औरत ही को मुखातब करके पर्दे के अहकाम सुना दिए जाते हैं ज़रूरत है कि मर्द जन दोनों को बताया जाए कि अल्लाह ताला उन्हें यह हुक्म देते हैं कि दोनों अपनी निगाहों को आलूदा होने से बचाएं ये आम जिंदगी में भी होगा और इंटरनेट पर भी जरूरी होगा कोई देखे या ना देखे उनका वास्ता उस हस्ती से है जिससे ना निगाहों की खयानतें छुपी रहती हैं और न दिल के ख्याल उससे पोशीदा रहते हैं चुनाचे निगाहों को आवारगी से बचाना जो कुरान का इस्पाब में पहला बुनियादी हुक्म है उसको सामने रखते ही लोगों के पास वो अखलाकी और दीनी बुनियाद आ जाती है जिसकी बिना पर उनका ज़मीर उनको उस वक्त उस बुराई में पड़ने से रोकेगा जब दूसरा कोई रोकने वाला मौजूद नहीं होता दूसरी अहम चीज ये हकीकत है और जिसकी तरफ हमने पीछे तवज्जो दिलाई है कि जिनसी बिगाड़ एक नशा एक लत और ख़ारिश के मरज की तरह होता है ख़ारिश के मरज में एक दफ़ा का खुजाना वक्ती सुकून देता है मगर इसके बाद ख़ारिश और बढ़ जाती है नशे की वक्ती तस्कीन अगली दफ़ा ज्यादा ताकत से और ज्यादा मकदार में नशे का मुतालबा सामने कर देती है चुनाचे इसी बुनियाद पर न सिर्फ जना को हराम करार दिया गया है बल्कि इसके करीब जाने से भी मना कर दिया गया है कि इसकी तरफ ले जाने वाले अवामिल एक मकनातीस की तरह हर उस शख्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं जो इनके दायरे में दाखिल हो जाता है चनाचे इस दायरे से बाहर रहना ही आफियत का रास्ता है इस पस मंजर में ज़रूरी है कि लोगों को इस हवाले से मुसलसल तमबीह की जाए कि अल्लाह ताला ने जनाही से नहीं रोका बल्कि इसके करीब जाने से भी रोका है इस हुक्म की बार बार याद दहानी से इंसान पर यह असर पड़ता है कि वो मोहताज जिंदगी गुजारता है अल्लाह तजीद ये अहतमाम किया है कि वह दायरा जिसके अंदर वो इंसानों को रखना चाहते हैं वह उन्होंने खुद बयान भी कर दिया है ये दायरा निगाह की हिफाजत से शुरू होता है बाया लिबास के इंतखा से होता हुआ ख़वातिन के लिए नामहरूमों के सामने जेबोजनत की नुमाइश की ममानत पर ख़त्म हो जाता है ये वो फितरी दायरा है जिसमें इंसान रहें तो आम तौर पर कोई ख़राबी पैदा नहीं होती हमारे यहाँ रिवायती तौर पर पर्दे पर के जो तस्वूर पेश किए जाते हैं वो मुआरे की अक्सरियत नाकबिलज कर इख्तियार ही नहीं करती इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उस हद को भी पामाल करते हैं जो वाक़ता दीन का मुतालबा है इसके बरक्स जब असल अहकाम तोन के साथ बयान किए जाएंगे तो लोग उनको ज्यादा काबिल अमल पाकर उनको इख्तियार करेंगे जिसके नतीजे में मुशरे की अजीम अक्सरियत हदूद आशना जिंदगी गुजारेगी जिससे मजमू तौर पर मुशरे में खैर बढ़ेगा तीसरी चीज़ जिस हकीकत को समझने की ज़रूरत है वह यह है कि फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री को अब इज्तमाही ज़िंदगी से नहीं निकाला जा सकता अलबत इनको हदूद आशना बनाया जा सकता है इनको हदूद आशना बना दिया जाए तो बैन अवी मुकाबले और इन्फॉर्मेशन एज के इस दौर में ये आपकी दिफाई लाइन बन सकते हैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे लोग ज़्यादातर हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में और प्रोग्राम देखते हैं उनके नीम ऊरिया मनाजिर जो आम तौर पर उनका लाजमी हिस्सा होता है वो पहला जरिया होता है जो एक आम नाजिर को इस तरफ मुतव करते हैं कि वो ऊरिया और फहोश फिल्में देखे चुनाचे ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तान में इस मामले पर तवज्जो दी जाए और मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को नेकी का ये सबक ना पढ़ाया जाए कि उन्हें अपना काम छोड़कर तबलीग में लगना होगा बल्कि ये बताया जाए कि तबलीग का सबसे बड़ा जरिया अल्लाह ने आपको पहले ही दे रखा है बस इसको दीनी हदूद में रहकर इस्तेमाल करें मगर इसके लिए उन अहले इल्म की यह राय माननी पड़ेगी जो मुतलकन इन चीज़ों की हरमत के कायल नहीं बल्कि अखलाकी हदूद में रखने के कायल हैं ये बात हमारी मजहबी फ़िक्र को गवारा नहीं इसलिए इम्कान यही है कि ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी बहरहाल इस मामले में सबसे अच्छी मिसाल खुद पाकिस्तान ही में मौजूद है हमारी मुरादसन अस्सी की दहाई के वो ड्रामे हैं जिनमें लिखारी अदाकार सदाकार अपनी तख्लीकी सलाहियतों से लोगों को अपनी तरफ मुतव रखते थे और उन अखला कवाहतों से दूर थे जो आम तौर पर मीडिया का खासा होता है हमारा समाजी जवाल दीगर शोबों के साथ मीडिया में भी आ गया है मगर हाल ही में ईरान और तुर्की ने ड्रामों के शुबे में काफ़ी काम किया है और बास पहलुओं से बहुत कामयाब रहे हैं इसके अलावा अमली तौर पर माशी मसाइल के बिना पर शादियों की ताखिर एक बहुत बड़ा सबब है जिसकी बिना पर लोग प्रनोग्राफी देखते हैं बलोगत के बाद पंद्रह बीस साल तक जो नौजवान गैर शादीशुदा रहेगा इमकान यही है कि वो इन चीज़ों में पड़ेगा और चूंकि ये एक नशा है इसलिए जिसको ये नशा लग जाए वो शादी के बाद भी इस नशे का शिकार रहता है चुनाची जरूरी है कि इस अहम समाजी मसले को लोग अपनी अपनी सतह पर हल करने की कोशिश करें बच्चों की शादी मुनासिब वक्त पर करने की फिक्र करें और इसमें गैर जरूरी दाखिर ना करें नशे का इलाज एक आखिरी सवाल इस हवाले से उन लोगों का है जो इस नशे के आदि हो चुके हैं हकीकत यह है कि जो लोग इस नशे का शिकार हो जाते हैं वो बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं एक तरफ उनका ज़मीर उन्हें मुसलसल मलामत करता है और दूसरी तरफ जो लोग ज़मीर की चुभन का इस तरह शिकार नहीं होते वो खौफ का शिकार ज़रूर रहते हैं इसलिए कि मुआशरे में ये चीज़ बड़ी नागवार समझी जाती है चुनाचे हमेशा ये खौफ उन्हें दामनगिर रहता है कि लोगों को मालूम हो गया तो क्या होगा इन तमाम पहलुओं से लोगों की नफसियात पर बहुत मनफी असर पड़ता है इस नशे से निकलने का तरीका यह है कि इंसान उन चीजों से दूर रहे जो इस तरफ लेकर जाते हैं इंटरनेट बस जरूरत की हद तक इस्तेमाल करें जब इस्तेमाल करें तो तन्हाई में ना करें इस तरह के किसी मवाद पर नजर पड़े तो फौरन पहले लम्हे में उस जगह से हट जाएं। आम हालात में टीवी वगैरह देखते हुए भी कोशिश करें कि हर उस मंजर से दूर रहें जो अखलाकी आलूदगी का बायस बन रहा है नमाज मस्जिद का अहतमाम बावजू रहना अच्छी सोबतें भी इस मसले के हल में बहुत मददगार साबित होती हैं और एक बड़ी अहम बात यह है कि बेकार न बैठें, बल्कि खुद को किसी न किसी मुस्बत काम में मसरूफ रखें बेकार इंसान का जहन शैतान का कारखाना बन जाता है चुनाचे अपने लिए कोई मुस्बत मकसद तलाश करें और खुद को उसमें मसरूफ रखें इस सब के बावजूद अगर गलती हो जाए तो उसके असर से निकल कर फौरन तौबा करें आइंदा बचने का अजम करें दो नफल पढ़कर तौबा करें कुछ सदका खैरात करें क्योंकि नेकी बुराई को दूर कर देती है शैतान जब ये देखता है कि इसको हर दफा बुराई की तरफ लाने का नतीजा मुसलसल तौबा और मजीद नेकियों की शक्ल में निकलता है तो उसकी वसवसा अंगेजी खुद ही कम हो जाएगी फिर भी कभी खुद ही इस तरफ रुझान हो तो पिछले तजुर्बे को याद करें कि आखिरकार नदामत के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ था इंसान एक जहनी मखलूक है और मुसलसल तरबियत के नतीजे में इंसान बदल जाता है इनशाला इस अमल के नतीजे में आप भी बदल जाएंगे मुख्तसर ये कि कभी मायूस ना हो और नेकी की राह कभी ना छोड़ें ये आदत छूट जाएगी जहाँ रहिए अल्लाह के बंदों के लिए से रहमत बनकर रहें बायसे आज़ार ना बने